हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम लोग कुछ रिपोर्ट्स के बारे में देखने जा रहे हैं। एक हमारे क्लाइंट हैं, उनकी कुछ नीड्स थी जो हमने उन्होंने बताया था कि हमें इस तरह से रिपोर्ट देखनी है, और उसको कैसे देखनी है वो देश में हम देखना चाहते हैं। तो पहले तो हमने बोला था कि कस्टमाइज ही हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हमने इसमें देखा, एनालिसिस किया, तो ये हम देश में भी कर सकते हैं। उसी को आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप भी कभी अगर ऐसा फेस कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन किया और क्लाइंट ने बोला इस तरह के रिपोर्ट चाहिए, तो आप दिखा सकते हैं। ये सेल्स से रिगार्डिंग रिपोर्ट है। क्लाइंट की नीड थी कि मुझे ऐसा एक रिपोर्ट चाहिए जिसमें कि कोई पार्टिकुलर आइटम किसी पार्टिकुलर कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं, तो उसका हम रिकॉर्ड देख सकें कि पूरे मंथ में या पूरे क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या ईयरली कितना हमने उस पार्टिकुलर आइटम को, उस पार्टिकुलर कस्टमर को सेल किया है, ये मुझे देखना है। ठीक है, तो सेल्स एनालिसिस में हम उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। आप चाहे तो कस्टमाइज बना सकते हैं और प्रिसाइज अगर उनकी नीड्स है तो, बट जितना उन्होंने बताया था उसके हिसाब से मेजर थिंग्स उनकी फुलफिल हो रही है, तो इस हिसाब से आप इस रिपोर्ट को आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। किसी भी पार्टिकुलर आइटम का आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि कैसे कस्टमर में उस पार्टिकुलर कस्टमर को क्या सेल हुआ, या पार्टिकुलर आइटम को पूरे महीने में कितना सेल किया, या पार्टिकुलर कस्टमर को उस आइटम पार्टिकुलर आइटम को कितने सेल किया, या पार्टिकुलर कस्टमर के साथ कितनी आपकी मार्केटिंग हुई, कितना सेल्स हुआ है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ आएंगे रिपोर्ट टैब में आएंगे। रिपोर्ट टैब में आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे सेल्स एंड परचेज। एज यू कैन सी देर आर नंबर ऑफ टाइप्स एंड वेर हैव टू गो, यू हैव टू गो सेल्स एंड परचेज। क्लिक हियर एंड यू विल सी सच टाइप्स ऑफ द स्क्रीन, नंबर ऑफ थिंग्स हियर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम देखेंगे कि हमें कैसे देखने हैं, जो हमारे रिपोर्ट देखने हैं, जो नीड्स हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हमें बोला गया था कि किसी पार्टिकुलर कस्टमर को पार्टिकुलर आइटम जो सेल किया है वही हमें देखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आया और किसी पार्टिकुलर कस्टमर को उठा लिया। सपोज दैट हमने यहाँ पे उठाया कि ये जितेंद्र है, इसको हमने उठा लिया। ठीक है, ये जितेंद्र, इसको उठाया, और दोनों ही टैब में हम क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर कस्टमर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। लेफ्ट एंड राइट में दोनों में ही आप देखेंगे तो इसी को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये ले लिया। अब इसकी कैटेगरी क्या है, कस्टमर है। ठीक है, अब आपको एनुअल रिपोर्ट चाहिए, मंथली रिपोर्ट चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, तो मैं अभी मंथली दिखा रहा हूँ आपको, फिर हम एनुअल पे देखेंगे। अब रही बात कि ये जो आपको चाहिए किस बेस पे चाहिए, इनवॉइस के बेस पे चाहिए, ऑर्डर बेस पे चाहिए, डिलीवरी नोट पे। तो एक्चुअली देखिए, ऑर्डर बनने के बाद ये सेल होगा या नहीं उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर बनने के बाद जब इनवॉइस होगा, बिलिंग होगा, तभी जाके वो सेल्स माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनवॉइस यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। आप ऑर्डर बेस पे भी ले सकते हैं, डिलीवरी नोट पे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये करने के बाद आप आ जाएंगे आइटम वाले टैब पे। आइटम वाले टैब पे कि क्या आइटम हमें सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने इसमें सेलेक्ट कर रहा है इन्वर्टर, कि इन्वर्टर हमने इस पार्टी को पूरे साल में, यानी इस पूरे सेशन में, 1/4 पोस्टिंग डेट हमने सेलेक्ट कर रखा है, 1/4 22 से 30/4, सॉरी 30/4 नहीं, 31/3 यहाँ पे होगा, 31/31/3/23 तक हमने कितना सेल किया है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर कस्टमर को ये पार्टिकुलर आइटम जो इन्वर्टर है उसको हमने कितना सेल किया, इसको सेलेक्ट करने के लिए आप जैसे इस पे टाइप करेंगे तो देखेंगे कि नंबर्स ऑफ आइटम्स आ जाएंगे। जिस आइटम के बारे में आपको देखना है उस आइटम को आप दोनों ही टैब में सेलेक्ट कर लीजिए, उसकी कैटेगरी ग्रुप क्या है वो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप नो टोटल, यहाँ पे टोटल बाय कस्टमर हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि तो इंडिविजुअल आइटम, इंडिविजुअल कस्टमर वाइज हमें सिलेक्ट करना है, तो हम टोटल बाय कस्टमर ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यदि आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका ये रिपोर्ट ओपन होके आ जाएगा। ये रिपोर्ट आया जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकुलर आइटम है ये जितेंद्र कुमार को और मिस्टर वीरेंद्र को दोनों को सेल हुआ, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पार्टिकुलर आइटम पार्टिकुलर कस्टमर वाइज चाहिए। तो यहाँ कस्टमर देखिए, कस्टमर जो है यहाँ पे हमने जो लिया है ये है आपका, दोनों एक ही कस्टमर है, जितेंद्र। तो जितेंद्र हमने ले रखा है, यहाँ पे भी जितेंद्र ले रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आप जब आएंगे ये डेट ले रखा है, टोटल बाई कस्टमर। ठीक है, इंडिविजुअल डिस्प्ले,
यहाँ पे इंडिविजुअल डिस्प्ले कर रखा है, यहाँ पे आने के बाद इंडिविजुअल टोटल बाई कस्टमर कर दिया, ठीक है। अगर आप इसको देखें मंथली रिपोर्ट या एनुअली रिपोर्ट देखें, जैसे भी आपको देखना है देख लीजिए, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके कीजिए तो ये आपको आ रहा है। अब ये देखिए ये जो आइटम है, ये पार्टिकुलर आइटम किस पार्टिकुलर कस्टमर को, ठीक है, जो आपने सेल किया है एनुअली कितना किया है ये दिख गया कि किस पार्टिकुलर कस्टमर को आपने ये आइटम जो किया है, कितनी क्वांटिटी सेल किए हैं, दिस मच अमाउंट का, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल फिर यही आइटम, यही पार्टिकुलर आइटम मिस्टर वीरेंद्र को जो गया है वो पूरे ईयर में आपने कितना किया है वो आ गया। तो ये आपने एक क्वांटिटी दिया है इसमें प्राइस का ये, तो इस तरह से क्या हो गया कि आप इंडिविजुअल आइटम इंडिविजुअल कस्टमर वाइज आपने ये रिपोर्ट देख सकते हैं कि कितना हमने किया है। अब आप बोलेंगे कि इसमें दूसरे का भी आ रहा है, तो दूसरे का आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको दूसरे कस्टमर का ये रिकॉर्ड आ रहा है कि दूसरे कस्टमर के साथ ये आइटम कितना हमने पूरे ईयर में सेल किया है वो, ये तो वह एनुअली देखने का। अगर सपोज दैट आपको मंथली देखना है तो आप यहाँ पे आइए मंथली सिलेक्ट कीजिए, जब मंथली सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके करेंगे तो आपको मंथली रिपोर्ट निकल कर आएगी। तो पर्टिकुलर मंथ में जनवरी फरवरी करके आप जो एनुअली करेंगे तो ये दिखा रहा है। देखिए अब यहाँ पे अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो इस रिपोर्ट में क्या दिखा रहा है कि जो ये कस्टमर है हमारा जितेंद्र जो है उसको एनुअली टोटल इतना का सेल हुआ, इतनी क्वांटिटी हमने सेल किया, लेकिन ये सेल कब हुआ है, जनवरी 2013 में ये सेल हुआ, ठीक है। उसके बाद फरवरी में नील है, आगे आप देखेंगे तो नील है, लेकिन यही ये जो आइटम है इस मिस्टर वीरेंद्र को कब सेल किया गया है, ये सेल किया गया है फरवरी में। तो इस तरह से आपको मंथ वाइज भी निकल के आ जाएंगे। यदि आपको रिपोर्ट प्रिंट आउट लेनी है तो आप यहाँ से जाएंगे, आपको बेस का ही रिपोर्ट मिलेगा, तो इस तरह से आपको रिपोर्ट मिलेगा जो इनफ है, आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको कस्टमाइज कराने की ज़रूरत है, किसी क्लाइंट को अगर चाहिए कि भाई नहीं मुझे तो अपने कंपनी का लोगो वगैरह ये लग के, तो उसको आपको कस्टमाइज करानी पड़ेगी, क्योंकि ये सेल्स का बेस रिपोर्ट है, तो इसमें आपको इसी तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप तब उस केस में आपको कस्टमाइज कराने की जरूरत होगी, अदरवाइज आप बेस से काम चला सकते हैं, तो आपका काम बेस से हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आपको क्वार्टरली चाहिए रिपोर्ट तो आप यहाँ पे क्वार्टरली सेलेक्ट करेंगे तो क्वार्टरली आ जाएगा ये रिपोर्ट कि फर्स्ट क्वार्टर में कितना हुआ, सेकंड क्वार्टर में कितना हुआ, तो ये इस तरह से आपका क्वार्टर 1, 2, 3, 4 करके आएगा, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे इनवॉइस वाइज, ऑर्डर वाइज, डिलीवरी वाइज, आप यहाँ पे ऑर्डर भी सिलेक्ट करते हैं तो ऑर्डर के भी बेस पे आएगा, ऑर्डर के बेस पे भी सेम ही चीज आए, वो वही क्वान्टिटी आएंगे जो सेल कम्प्लीट हुआ है। अगर आपका सेल नहीं हुआ है तो नहीं आएगा। ऑर्डर बेस पे भी आप सेम उसी तरह से देख सकते हैं, अगर ऑर्डर बना है डिलीवरी नोट्स बना होगा तो डिलीवरी नोट्स के बेस पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी नोट्स, इसका डिलीवरी नोट्स बना है, उसका डिलीवरी नोट्स नहीं बना था, इसीलिए वो क्वांटिटी नहीं है, डायरेक्ट इनवॉइस हुआ था इसीलिए वो क्वांटिटी यहाँ पे हमें डिस्प्ले नहीं कर रहा। अब क्या है, इंडिविजुअल डिस्प्ले, अगर आप ग्रुप डिस्प्ले देखना चाहते हैं तो आप ग्रुप डिस्प्ले भी देख सकते हैं, तो आप इसको ग्रुप डिस्प्ले सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आपको ये ग्रुप डिस्प्ले दिखेगा, ठीक है। ये आपका ग्रुप कोड यहाँ पे दिखा रहा है, आइटम ग्रुप क्या है, कस्टमर कोड क्या है, तो इस तरह से आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। और ये आप इस तरह से आप जो आपकी नीड्स है, जो आपके क्लाइंट्स की नीड है वो फुलफिल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पोस्टिंग डेट के थ्रू हमने सिलेक्शन कर रखा है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ड्यू डेट के थ्रू भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट डेट के बेस पे भी सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर अगर आप तीनों रखेंगे तो तीनों के बेस पे रख सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या नीड्स है, किस बेस पे आपको देखना है रिपोर्ट को, उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल्स इम्प्लाई बेस रिपोर्ट, अगर सपोज दैट कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल्स हो रहा है जिसमें कि सेल्स इम्प्लाई को आप इंसेंटिव देते हैं, तो आप इम्प्लाई सेल्स इम्प्लाई का यहाँ पे कोड डाल दीजिए और उसके बेस पे भी आप देख सकते हैं। तो इसमें अभी तक हमने किसी भी सेल्स में इम्प्लाई वाइज नहीं सेल्स किया, इसीलिए यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट नहीं दिखेगा। तो अगर आपको करना है तो आपको क्या करना होगा, उस पे जाके जो आपने सेल्स किए हैं उस पे सेल्स इम्प्लाई सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके ये रिपोर्ट दिखेगा। तो और आप ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिपोर्ट क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ये डॉक्यूमेंट डेट वाइज कर रखा है, हमें पोस्टिंग डेट वाइज लेना है और ये डेट हमने कर रखा है। अगर पोस्टिंग डेट ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, तो हम इसको इस तरह से, क्योंकि इस सेल्स एम्प्लाई के बेस पे कोई भी सेल हमने किया नहीं है इसीलिए नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको वेव ऑफ करेंगे कि हमें सेल्स एम्प्लाई वाइज नहीं, हमें इंडिविजुअली चाहिए, हमें सेल्स एम्प्लाई वाइज नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए वो क्वांटिटी आपको मिलेगी।
अगर जैसे ही हमने आइटम वाइज या कस्टमर वाइज आया तो ये रिपोर्ट हमें दिख गया। अब ये सेल्स एम्प्लाई वाइज देखने के लिए अगर आप सेल्स एवरीवेयर आपने सेल्स एम्प्लाई को सिलेक्ट किया तभी आपको दिखेगा, जब तक आप सेल्स एम्प्लाई सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये रिपोर्ट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि किसी भी ट्रांजेक्शन में सेल्स एम्प्लाई गया नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप इसमें आइए, हम एक रिपोर्ट बना के चेक कर लेते हैं कि सेल्स एम्प्लाई वाइज दिखता है कि नहीं दिखता है। हाँ, और आप जब रिपोर्ट देखना तो यहाँ पे आपको ब्रांच आप जरूर सिलेक्ट कर सकते हो, 5 ब्रांच है या 10 ब्रांच है, जिस ब्रांच का आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। अगर ब्रांच नहीं सिलेक्ट करेंगे तो भी डेटा नहीं आएगा। यहाँ पे आके आप पोस्टिंग पीरियड सिलेक्ट करेंगे कि किस पोस्टिंग पीरियड का आप रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और आप ऐसे आपको जो भी रिपोर्ट देखना है वो रिपोर्ट आ जाएगा। ये कुछ सेकेंडरी सिलेक्शन है, अगर आपको सपोर्ट दैट कि काटते अगर आप इस टैब पे नहीं जा सकते, जाना चाहते हैं इसी टैब पे आप आइटम और पार्टिकुलर कस्टमर उठाना चाहते हैं तो आप इस तरह से पार्टिकुलर कस्टमर ले लीजिए। ये कैलकुलेट बाय द सेल्स पर्सन पर रो, अगर आपको सेल्स पर्सन पर रो सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और इस बेस पे आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इंक्लूड इन एक्टिव सेल्स इंप्लाई, अगर कोई एक्टिव सेल्स इंप्लाई है तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके बेस पे ये जो सेल्स इंप्लाई है उसके बेस पे कोई कैलकुलेशन कोई भी सेल्स नहीं हुआ है, इसीलिए हमें डेटा कुछ नहीं दे रहा है। डिस्प्ले अमाउंट इन द सिस्टम करेंसी, तो जिसके वजह से हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, तो इसको हमें बताना पड़ेगा। ये देखिए अब ये क्या हो गया, हमें पार्टिकुलर कस्टमर और इंडिविजुअल कस्टमर और इंडिविजुअल आइटम का सेल्स क्वांटिटी आ गया कि हमने जो सेल किया है एक पार्टिकुलर आइटम को सेल किया। अभी क्या था, हमें मल्टीपल आ रहे थे, अब यहाँ पर क्या हो गया कि पार्टिकुलर कस्टमर को हमने इस पार्टिकुलर आइटम को क्या सेल्स किया है वो यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी चाहें उस तरह से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल डिस्प्ले अगर आपको चाहिए आप इंडिविजुअल डिस्प्ले निकाल सकते हैं, ग्रुप वाइज है इंडिविजुअल डिस्प्ले वाइज आप कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि इंडिविजुअल आइटम को आपने क्या सेल किया है और कितना सेल किया है उस पार्टिकुलर मंथ में या पार्टिकुलर ईयर में या पार्टिकुलर क्वार्टर में, तो इस तरह से आप उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। आई होप कि आप इसका है सो बेनिफिट ज़रूर उठाएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको शेयर कर सकूँ और आप इस का एडवांटेज ले सके, आप सीख सके और कहीं भी अच्छी जगह पे आप जॉब करके अच्छी अर्निंग कर सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।